सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी और ब्रीफली बताऊंगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले हम जल्दी से इनकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट द फोरकास्टिंग एंड एवलुशन ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क टूगेदर विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोसीजर्स टू अवॉइड और मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट। रिस्क मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है, रिस्क के ऊपर जो मैनेज किया जाए, मतलब रिस्क की मैनेजमेंट की जाए, उसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड में इनकी जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, रिस्क के बारे में प्रोसेसिंग की जाए, रिस्क के ऊपर काम किया जाए, रिस्क की जो कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने लगी है मार्केट में उसकी फोरकास्टिंग की जाए, उसकी एवोल्यूशन ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क लगाया जाए कि फाइनेंशियल रिस्क कितना होगा अगर हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, हमें कितना मतलब पैसे का नुकसान होगा या हम प्रॉफिट में जाएंगे, इसकी कितनी रेशियो है, नुकसान की कितनी रेशियो है, तो इनकी रेशियो के बारे में कैलकुलेशन की जाए, रिस्क के बारे में कंप्लीट कैलकुलेशन की जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए और इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि ज़्यादा जो नुकसान है उससे बचा जाए, अवॉइड और मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट। उसके जो नुकसान ज़्यादा हैं, उसके जो इम्पैक्ट ज़्यादा हैं, वो जो उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने से होंगे वो कम किए जाएँ और उसे अवॉइड किया जाए और हमें ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मतलब बढ़ने के, ग्रो करने की चांसेस ज़्यादा हों, तो उस वक्त ये हम इस रिस्क मैनेजमेंट में ये कैलकुलेट करके फिर उसके मुताबिक जो है अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं और अच्छे से उसको मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं रिस्क के ऊपर कि कितना इस प्रोडक्ट में कितना रिस्क है, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कल्चर में हम अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, लॉन्च करते हैं या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कोई भी सिचुएशन में कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ है वो काम करते हैं, तो उसमें कितना रिस्क है उसको कम करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए, ज़्यादा नुकसान से, ज़्यादा रिस्क से, तो हम इसकी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हम रिस्क को एनालिसिस करते हैं, रिस्क के ऊपर अच्छे से उसको मैनेज करके उसके ऊपर काम करते हैं। आगे है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ अ रिस्क रिलेटेड टू अ वेल डिफाइंड सिचुएशन एंड अ रिकॉग्नाइज्ड थ्रेट्स। रिस्क असेसमेंट में हम डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसका एस्टिमेट करते हैं कि रिस्क हम वेल डिफाइन करते हैं कि किस सिचुएशन में हमें कितना रिस्क हो सकता है, हमारे लिए थ्रेट्स क्या हैं, हमारे लिए क्या रुकावटें हैं, तो इसके ऊपर जो परेशानियाँ आ सकती हैं एक कंपनी के लिए, जो थ्रेट्स होते हैं उसके कंपेटिटर, उसकी जो प्रोडक्ट के रिलेटेड, और जो उसे लगता है कि अगर ये मतलब जैसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मशीनरी में तो कोई ख़तरनाक काम है, कोई एम्प्लॉय जो है वो मतलब कोई उसको नुकसान हो सकता है, तो इस तरह की बहुत सी सिचुएशन आ जाती हैं, तो इनको इनके ऊपर एनालिसिस करके, इन सिचुएशन को हैंडल करके अपने रिस्क को कम किया जाए, अपने थ्रेट्स को कम किया जाए, तो इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो इसके ऊपर असेसमेंट होती है, उसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।